प्रिय शिक्षणार्थियों, NIS के स्टूडियो में मैं डॉक्टर रविकांत, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विद्यापीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय इकाई 3 में जो विज्ञान शिक्षण के विभिन्न उपागम हैं उसका एक उपागम वर्णात्मक उपागम है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा इस विषय में। तो हम शुरू करते हैं वर्णात्मक उपागम परिचय। शिक्षार्थियों, इस उपागम के प्रस्तावक डेविड पी आसुवेल थे। वर्णात्मकता का अर्थ है व्याख्या या स्पष्टीकरण करना। यह अंग्रेजी भाषा के एक्सपोजिशन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रदर्शित करना या उद्घाटित करना। वर्णात्मक उपागम को एक अन्य नाम से जिसका कहा जाता है प्रसारण उपागम भी है, उसके नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस उपागम को हम लोग प्रसारण उपागम के नाम से भी जानते हैं। प्रसारण का अर्थ है फैलाना या प्रसारित करना, मतलब एक जगह पर जो चीज़ है उससे दूसरी जगह पर जब हम उसको भेजते हैं, प्रसारित करते हैं, तब हम उसको प्रसारण कहते हैं। वर्णात्मक उपागम इसी प्रसारण पर आधारित है। वर्णनात्मक उपागम का अर्थ, वर्णात्मक उपागम वास्तविकता के विवरण पर आधारित है। वास्तविकता में चीज़ें वास्तव में कैसे दिखती हैं या पाई जाती हैं, ये उसको परिलक्षित करता है, उसको बताता है। वर्णात्मक उपागम का अर्थ, वर्णात्मक उपागम बार बार प्रयोगों के माध्यम से निरंतर परिणाम प्रदर्शित करके सत्यापन योग्य तथ्य को स्थापित करता है। वर्णनात्मक उपागम की विशेषताएं, इसमें सभी सूचनाएं या संकेत शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी सूचनाएं दी जा रही हैं उसमें शिक्षक मुख्य भूमिका निभाते हुए सबसे पहले वो शिक्षक सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुँचाता है। दूसरी विशेषता है शिक्षक द्वारा निर्मित होने के कारण इसकी संरचना उच्च श्रेणी की होती है। तो क्योंकि इसका निर्माण शिक्षक द्वारा किया जा रहा है और शिक्षक जो है वो शिक्षार्थी की तुलना में कहीं अधिक अनुभव आधारित है, उसके पास उससे अधिक ज्ञान उपलब्ध है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये जो संरचना है ये उच्च श्रेणी की है, क्योंकि इसको शिक्षक द्वारा बनाया गया है। अगली विशेषता है ये उपागम शिक्षक केंद्रित उपागम है। इसकी एक विशेषता है क्योंकि इसमें शिक्षक सारे निर्देश, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सारे के सारे निर्देश जो हैं वो शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों तक पहुँचाए जा रहे हैं, शिक्षक द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। चूँकि शिक्षक के अनुभव और शिक्षक का ज्ञान उसके आधार पर इसका हमने निर्माण किया हुआ है, इसलिए ये उपागम जो है ये पूर्णतः शिक्षक केंद्रित उपागम है। इस उपागम की अगली विशेषता है कम समय में अधिक से अधिक सूचनाएं शिक्षार्थियों तक पहुंचाई जा सकती हैं। यानी कि हम कम समय में एक ही स्थान पर बैठे हैं, बहुत सारे शिक्षार्थी बैठे हुए हैं और उनको हम कम से कम समय में अधिक से अधिक सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। इसकी अगली विशेषता है इसमें निगमनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। साथियों, ये जो निगमनात्मक विधि है ये वैज्ञानिक विधि है और इसमें चूँकि सूचनाएँ, इसका जो जो इसकी प्रणाली है वो इस तरह से है, चूँकि सूचनाएँ जो है शिक्षक प्रदान कर रहा है, लेकिन उसके जो परिणाम हैं यानी कि परिणामों का सत्यापन जो है वो अधिकाधिक हमारे शिक्षार्थियों द्वारा यानी कि छात्रों द्वारा किया जाएगा। इसलिए हम इसमें जो एक निगमनात्मक विधि है जो कि बहुत ही उच्च श्रेणी की वैज्ञानिक विधि है उसका प्रयोग करते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो वर्णात्मक उपागम है हमारा वो निगमनात्मक जो अप्रोच है, जो प्रयोग है या विधि है उसका प्रयोग करता है। अब हम चर्चा करेंगे वर्णात्मक उपागम के सोपान। तो शिक्षार्थियों, इस वर्णात्मक उपागम के 4 मुख्य सोपान हैं, जिसमें सबसे पहला है नियम का कथन, दूसरा सोपान है इसमें नियम का स्पष्टीकरण, तीसरा इसका जो सोपान है वो है नियम का औचित्य, और इसका चौथा और अंतिम सोपान है नियम का प्रयोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नियम का कथन। इसमें सर्वप्रथम शिक्षक नियम को शिक्षार्थियों के सम्मुख मौखिक रूप से या लिखकर प्रस्तुत करता है। जैसे जब 2 द्रव आपस में घुल जाते हैं तो उन्हें विलेय या मिश्रणीय द्रव कहा जाता है, और जब ये आपस में नहीं घुलते हैं तब इन्हें अविलय या अमिश्रणीय द्रव कहा जाता है। शिक्षार्थियों, ये नियम का कथन है, यानी कि जो हम नियम में जो हम बोलने जा रहे हैं, जो हम समझाने जा रहे हैं हमारे शिक्षार्थियों को, सबसे पहले हम उसका कथन जो है उद्घोषित कर देता है शिक्षक के माध्यम से, शिक्षक उसको उद्घोषित कर देता है। अगला है नियम, जो अगला सोपान है नियम का स्पष्टीकरण। इस सोपान पर शिक्षक नियम की व्यावहारिकता को प्रदर्शन या प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करता है, जिससे कि नियम की जाँच तुरंत की जा सके। यहाँ पर शिक्षार्थियों, शिक्षक जो उसने अभी अभी कथन दिया है उसको नियमों के माध्यम से, जैसे अभी मैंने एक पीछे उदाहरण दिया है इसमें कि जब 2 विलेय आपस में मिल जाते हैं, जब जो द्रव आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें विलेय द्रव कहते हैं। यहाँ जो हमारा शिक्षक है वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग द्रव्य लेकर आएगा, जिसमें पानी होगा, जिसमें दूध होगा, जिसमें तेल होगा, जिसमें कैरोसिन होगा, और वो तुरंत के तुरंत यानी कि वहीं के वहीं उन जो विभिन्न प्रकार के हमारे द्रव हैं उनको मिलाने का प्रयास करेगा। जैसे पानी को दूध में मिलाएगा, पहले एक हमारा जो प्रयोग हुआ वो ये हुआ, फिर इसी तरह से और दूसरे द्रवों को मिलाएगा, 2 या 2 से अधिक द्रव को मिलाएगा, इस तरह से वो तुरंत उनको सिद्ध करने की कोशिश करेगा। शिक्षार्थियों, ये बात यहाँ ध्यान रखी जाए
कि विज्ञान के साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है वो ये है कि जब हम कोई कथन कहते हैं उसको हमको तुरंत सत्यापित करना होता है, क्योंकि विज्ञान जो है कथन और कारण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि कथन है तो उसका कारण है और अगर कारण है तो उसका कथन है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है और विज्ञान के ज्ञान को स्थायी करने के लिए, उसकी सत्यता को जांच करने के लिए हम तुरंत उस कथन के बाद उसकी सत्यापन की जांच करते हैं और उसका नियम का स्पष्टीकरण भी इसी से संबंधित है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ शिक्षक विभिन्न द्रवों को आपस में मिलाकर शिक्षार्थियों को उनका अवलोकन करने और उन्हें लिखने के लिए कहेगा, जैसे कि द्रव आ प्लस द्रव वा, यानी कि द्रव आ को द्रव वा में मिलाया जाएगा। ये प्रयोग है, ये प्रयोग की अवस्था है। अगर वो आपस में घुल जाते हैं, अब यहाँ जो हमारे शिक्षार्थी है, चूँकि हम उन्हें टेस्ट ट्यूब में दिखा रहा है, हमारा जो शिक्षार्थी जो हमारा शिक्षक है उनको टेस्ट ट्यूब में दिखा रहा है कि उसने जो है दूध और पानी दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब ली और उन दोनों टेस्ट ट्यूब के आपस में मिला दिया, उनके द्रवों को आपस में मिला दिया। इस तरह से छात्र वहाँ बैठे बैठे शिक्षार्थी हमारे वहाँ उसका अवलोकन कर रहे हैं और उन्होंने देखा कि जैसे ही हमने पानी को दूध में मिलाया वो उसमें मिल गया, उसके साथ मिल गया, अब हम उसको अलग अलग नहीं दे सकते। तो हमने इसका परिणाम निकाला कि पानी और दूध आपस में विलय द्रव हैं, ये इसका परिणाम है। यानी कि इनकी तीन के जो है अवस्थाएं हुई, पहली अवस्था प्रयोग की अवस्था हुई जिसमें प्रयोग किया जा रहा है, दूसरी अवलोकन की अवस्था हुई कि प्रयोग के दौरान छात्र उसको अवलोकित कर रहे हैं, और चौथा जब वो प्रयोग संपन्न हो जाता है तब हम उसमें देखेंगे कि उसके परिणाम क्या हैं, यानी कि तुरंत के तुरंत इनका प्रयोग करके हम उसकी सत्यता की जाँच करते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा शिक्षक है वो अन्य प्रयोग दोहराएगा, जैसे कि वो पानी, जैसे कि द्रव आप पानी ले लीजिएगा, द्रव वा कोई तेल ले लीजिएगा, उनको आपस में मिलाने की कोशिश करेगा। और यहाँ छात्र देखेंगे कि जब तेल को और पानी को मिलाया गया तो वो दोनों आपस में मिले नहीं, उसमें पानी नीचे की तरफ रह गया, तेल ऊपर की तरफ आ गया। और यहाँ उन्होंने अवलोकन किया और इससे ये परिणाम निकलता है कि पानी और तेल ये दोनों अविलय पदार्थ हैं, ये आपस में मिल नहीं सकते। यानी कि पुनः यहाँ पर उन्होंने एक प्रयोग किया, पुनः अवलोकन किया और पुनः उसके परिणामों की सत्यता की जाँच की। इस तरह से इस स्टेप पर हम इस जो सोपान है हमारा उस पर प्रयोग करते हैं, अवलोकन करते हैं और परिणाम की जांच करते हैं। जो अगला सोपान है हमारे वर्णनात्मक उपागम का, वह है नियम का औचित्य। इस सोपान पर शिक्षक प्रस्तुत किए गए उदाहरण के अतिरिक्त अन्य उदाहरणों की सहायता से नियम के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास करता है। यहाँ शिक्षक शिक्षार्थियों को अन्य अवलोकन या प्रयोग करने को भी कह सकता है, यानी कि इस सोपान पर हम लोग नियम के औचित्य को देखते हैं कि वो नियम के पीछे औचित्य क्या है। यहाँ एक बात, जैसे कि मैंने अभी आपको विशेषताएं में बताया था कि हम निगमनात्मक उपागम का, निगमनात्मक विधि का प्रयोग कर रहे हैं इस हमारे वर्णनात्मक उपागम में, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज्ञान को स्थायी करने के लिए हम शिक्षक जो है शिक्षार्थियों से कहेगा कि जिस तरह से ये द्रव मैंने अभी आपके सामने प्रयोग किया है कि पानी और दूध आपस में विलय हैं और तेल और पानी ये आपस में अविलय हैं, इस तरह के आप और अन्य प्रयोग कीजिए। यहाँ तक कि वो उनसे ये भी कह सकता है कि आप घर पर जाकर जो आपके पास द्रव उपस्थित हैं उनको आपस में आप प्रयोग कीजिए और ये देखने का प्रयास कीजिए, एक लिस्ट बनाइए, एक सूची बनाइए कि कौन से पदार्थ किस में विलय हैं और किस में अविलय हैं। तो इस तरह से औचित्य जो है उसका, वो जो शिक्षार्थी हैं हमारे व्यवहारिक रूप से स्वयं करके कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, चूँकि कथन और कारण के सिद्धांत पर है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमने क्लास में, जो कक्षा में हमने शिक्षार्थियों को बताया, वो उसको घर पर जाकर भी उसको अवलोकन करें, जिससे कि उसकी सत्यता और भी अधिक जानकारी के साथ उसकी सत्यता की पुष्टि की जा सके, जिससे कि ये ज्ञान स्थायी हो सके। जो चौथा सोपान है वो है नियम का प्रयोग। इस अंतिम सोपान पर शिक्षक पूर्व उद्घोषित नियम को विभिन्न परिस्थितियों के उदाहरणों के साथ जोड़कर सिद्ध करने का प्रयास करता है। अब या तो यहाँ हम जो शिक्षक है हमारा ये कर सकता है कि उसने जो प्रयोग किए उनके तुरंत बाद, या फिर शिक्षक ने जो हमारे छात्रों को कहा कि आप अपने घर पर जाइए, दैनिक जीवन में देखिएगा इस प्रयोग को और कल मुझे आके बताइए, उस समय पर, दोनों ही समय पर वो नियम का जो प्रयोग है उनको यहाँ जो हमारा दैनिक जीवन में उनका प्रयोग है उनको सिद्ध करने की कोशिश करेगा, उनको जोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे कि बहुत सी जगह हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं, वहाँ हमारा शिक्षक बताएगा कि हम दो विभिन्न विलयों को जोड़कर दवाइयाँ बनाते हैं, ये ज़रूरी है कि वो उसमें विलय हों। हम दैनिक जीवन में हम जैसे कि हम अपने घर में जो पेय पदार्थ पीते हैं उसमें किस तरीके से कौन कौन से पदार्थ विलय हैं, हम खाना बनाते हैं हम घर में हम विभिन्न प्रकार के तेलों का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ खाना बनाने में तेल के साथ हम पानी का प्रयोग भी करते हैं, वो अविलय हैं। तो इस तरह से इस नियम के प्रयोगों को वो बार बार अलग अलग परिस्थितियों से बताएगा और उदाहरणों के साथ उनको सिद्ध करने का प्रयास करेगा, जिससे कि ये जो अभी हमने नियम बताया है ये शिक्षार्थियों के मन मस्तिष्क पर बिल्कुल स्थायी हो जाए, ये इस नियम का प्रयोग है।
विज्ञान में कथन कारण सिद्धांत मूलभूत सिद्धांत है, इसलिए अंतिम सोपान पर नियम का विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षण किया जाता है। विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षण करेंगे, उसकी सत्यता की जांच करेंगे, जिससे कि हम किसी भी तरह का कोई संदेह हमारे जो शिक्षार्थी हैं उनके मन में ना रह जाए। हम बार बार उसको विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षण करें, उसका शिक्षार्थी खुद जान सकें कि ये जो विज्ञान ने जो हमको ये सिद्धांत दिया है, विज्ञान ने जो कहा है कि कौन से विलेय पदार्थ हैं, कौन से विलेय द्रव हैं, कौन से विलेय अविलेय द्रव हैं, उनको वो खुद जाँच सकें। वर्णात्मक उपागम प्रक्रिया, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसके चार सोपान थे और इन चार सोपान को जब हम एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं तब इसकी प्रक्रिया बन जाती है। शिक्षार्थियों, ये यहाँ पर आपको ध्यान देना आवश्यक होगा कि ये जो प्रक्रिया है और इसका जो क्रम है ये ठीक इसी तरह से रहेगा जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। जैसे कि नंबर एक जो है वो सबसे पहला आएगा नियम का कथन, जो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले शिक्षक हमारा नियम का कथन कहेगा। अगला जो इसकी प्रक्रिया का जो अगला बिंदु होगा वो है नियम का स्पष्टीकरण। यहाँ पर शिक्षक नियम को स्पष्टीकरण करने का प्रयास करेगा, इसमें प्रयोगों की ये प्रयोग की अवस्था है, यहाँ प्रयोग किए जाएंगे। अगला जो इसका अगला प्रणाली का जो हमारा अगला बिंदु है वो है नंबर तीन पर नियम का औचित्य, यानी कि जो अभी प्रयोग किए गए उनका औचित्य वहाँ पर सिद्ध करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगला जो चौथा हमारा जो आखिरी इस प्रक्रिया का जो सोपान है वो नियम के प्रयोग हैं, यानी कि इस नियम के प्रयोगों के माध्यम से हम उसको डिफाइन करते हैं, उसको बताते हैं कि ये विभिन्न परिस्थितियों में भी ये जो नियम जो आज मैं आपको कक्षा में बता रहा हूँ ये नियम विभिन्न परिस्थितियों में यानी कि आपके दैनिक जीवन में भी उसी प्रकार से सत्य सिद्ध होंगे जिस प्रकार से आज कक्षा में हुए हैं। इस तरह वर्णात्मक उपागम की प्रक्रिया चलती है और इसी तरह से नए सिद्धांत बनते हैं, उनको हम जाँचते हैं, फिर से नए सिद्धांत बनते हैं, उनको जाँचते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में जानते हैं, और इसी तरह से विज्ञान का कथन कारण सिद्धांत जो है वो आगे चलता रहता है। अब वर्णात्मक उपागम के लाभ, सबसे पहला कम समय में अधिक पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण। शिक्षार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें कहीं कहीं हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, हमारे पास प्रयोगशालाएं उपलब्ध नहीं है, उस परिस्थिति में ये जो वर्णात्मक उपागम है इसमें हम बहुत कम समय में अधिक पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, क्योंकि प्रयोगों के माध्यम से जो भी चीज़ें हम सिखाते हैं कक्षा में वो बहुत स्थायी होती हैं, कम समय लेती हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि वो वास्तविक अनुभव प्रदान करती हैं। इसलिए हम कम समय में अधिक से अधिक पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण इस वर्णात्मक उपागम के माध्यम से कर सकते हैं। अगली जो इसका लाभ है वो है शिक्षा के सभी स्तरों में प्रयोग के लिए उपयुक्त, यानी कि जो शिक्षा के हमारे विभिन्न स्तर हैं, प्राथमिक स्तर हुआ, उच्च प्राथमिक हुआ या माध्यमिक हुआ या कोई और स्तर से उच्च स्तर हुआ, उस पर हम किसी भी स्तर पर इसको प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें वास्तविक अनुभव दे रहे हैं और वास्तविक अनुभव जो हैं किसी भी शिक्षणार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए किसी भी स्तर पर हम इस वर्णात्मक उपागम का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो इसका एक लाभ है, सभी विषयों के लिए उपलब्ध, लगभग सभी विषयों के लिए ये जो वर्णनात्मक उपागम है ये हमारे लिए लाभप्रद है। जैसे अभी मैंने आपको एक विज्ञान का एक उदाहरण दिया, हम अन्य विषयों में भी इसको यूज करते हैं, लेकिन वर्णनात्मक उपागम का बहुत अधिक उपयोग हम विज्ञान में करते हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन कभी कभी ऐसा होता है संसाधन कम होते हैं तो हम उन कम संसाधनों में अधिक से अधिक ज्ञान दे पाते हैं। अगला जो इसका लाभ है, यह ज्ञानात्मक एवं बौद्धात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। शिक्षार्थियों, किसी भी जो पाठ्य सामग्री है उसके जो उद्देश्य होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ज्ञानात्मक, बौद्धात्मक और भावात्मक। यहाँ हम जो पूर्ति कर रहा है हमारा वर्णात्मक उपागम ज्ञानात्मक और बौद्धात्मक कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये छात्रों के ज्ञान में और छात्रों के बोध में वृद्धि करता है। ज्ञान वो जो हम दूसरों से प्रदान करते हैं और बोध वो है जिसको हम खुद अपने वास्तविक अनुभवों से प्राप्त करते हैं। तो जैसा अभी मैंने एक उदाहरण में आपको बताया है कि जो यहाँ पर विभिन्न जो प्रयोग किए जा रहे थे वो शिक्षक के माध्यम से किए जा रहे थे, शिक्षक उन प्रयोगों के माध्यम से ज्ञान को दूसरों तक यानी कि हमारे शिक्षार्थियों तक पहुंचा रहा था, तो ये तो ज्ञान हुआ। लेकिन जब शिक्षक ने कहा कि आप इन्हीं परिस्थितियों इन्हीं जो नियम है इसका प्रयोग आप अपने घर पर जाकर दैनिक जीवन में कीजिएगा, तो चूँकि वहाँ पर हमारा शिक्षार्थी खुद उसको कर रहा है, खुद करके देख रहा है, तो उसको सारे के सारे वास्तविक अनुभव प्रदान हो रहे हैं, वास्तविक अनुभव मिल रहे हैं उसको, तो यहाँ उसके बोध में भी वृद्धि हो रही है, तो वो उसको समझ भी रहा है। इसलिए ये जो वर्णनात्मक उपागम है ये ज्ञानात्मक और बोधात्मक उद्देश्यों की दोनों की प्राप्ति में बहुत सहायक है। अगली विशेषता जो है, इस उपागम में अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम होता है। ये साथियों, हमारे जो शिक्षा व्यवस्था में जो मौखिक अधिगम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांशतः कक्षा में जो अधिगम का स्थानांतरण होता है वो अधिकांशतः मौखिक रूप से होता है। विज्ञान शिक्षण में भी अगर हम बात करें तो हम बहुत सा ज्ञान मौखिक रूप से देते हैं, हालांकि हमारे पास प्रयोगों की उपलब्धता भी होती है, लेकिन इस वर्णात्मक उपागम में, जैसा कि नाम से ही है वर्णात्मक, वर्णन करना, तो यहाँ हम मौखिक अधिगम भी उसको करा रहे हैं, यानी कि अर्थपूर्ण यानी कि हम उसको जो बातें बता रहे हैं उसको साथ ही साथ करवा भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इस उपागम में वर्णात्मक उपागम में अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम हो रहा है, जो कि हमारे शिक्षार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा उनको प्रभावित करने वाला है। इसलिए इसमें मौखिक अधिगम
की भी इसमें पूर्ति होती चली जा रही है। अब शिक्षार्थियों हम लिखेंगे वर्णात्मक उपागम की सीमाएं क्या क्या है। इसमें जो पहली सीमा है, सभी संकेत शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए अधिकांशता शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं। शिक्षार्थी को इस उपागम की सबसे बड़ी सीमा यही रहती है कि जब सारे प्रयोग शिक्षक द्वारा किए जा रहे हैं, शिक्षक ही उनको निर्देश प्रदान कर रहा है, तो इस स्थिति में जो हमारे शिक्षार्थी हैं, जो कक्षा में बैठे हुए शिक्षार्थी हैं, वो निष्क्रिय अवस्था में बैठे रहते हैं। अधिकांशता ये होता है कि वो शारीरिक रूप से तो वहाँ उपस्थित हैं, लेकिन उनकी जो इंद्रियां हैं, उनका जो ज्ञान है, या उनको हम ये कहें कि ज्ञानात्मक रूप से वो वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं। हो सकता है कि उस प्रयोग के दौरान या उस जो शिक्षक बता रहा है निर्देशों के समय पर उसका मन कहीं और हो, और यहाँ चूंकि निष्क्रिय होकर बैठे रहते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं चूँकि यहाँ पर निष्क्रियता है शिक्षार्थियों की, तो एक दिक्कत ये हो जाती है यहाँ पर कि जो निर्देश शिक्षक दिए जा रहे हैं वो निर्देश उस तक पहुँच तो रहे हैं, लेकिन वो उनको ग्रहण नहीं कर रहा है। इसलिए जहाँ एक दिक्कत ये रहती है कि यहाँ शिक्षार्थी जो है निष्क्रिय रहते हैं, जो इसकी सबसे बड़ी सीमा है। इसकी जो दूसरी एक सीमा है, शिक्षार्थियों के निष्क्रिय रहने के कारण उनकी उच्च मानसिक शक्तियों जैसे सृजनात्मकता, विश्लेषण आदि का विकास नहीं हो पाता। जैसे कि ये जो दो मैंने आपको मानसिक विशेषताएँ बताई, सृजनात्मकता और विश्लेषण, साथियों ये जो बड़ी उच्च श्रेणी की हैं, और इसके लिए आपका कक्षा में सजग रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा अभी आपको बताया, चूँकि सारे निर्देश तो आ रहे हैं शिक्षक की तरफ से, सारी क्रियाएं हो रही हैं शिक्षक की तरफ से, शिक्षक ही उनके नियम की पुष्टि कर रहा है, शिक्षक ही सारे प्रयोग करा रहा है, तो चूंकि यहाँ छात्र निष्क्रिय है, इसलिए उसकी कोई भी सृजनात्मकता, कोई भी विश्लेषण की क्षमता वहाँ पर नहीं हो रही है। हमको लगता तो है कि शिक्षार्थी देख रहा है हमारी तरफ, हमारे प्रयोगों की तरफ देख रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो सिर्फ देख रहा है लेकिन उसका जो मन है वो कहीं और है। इसलिए जब उसका सजग ही नहीं है वहाँ पर, उसका मन ही वहाँ पर नहीं है उस प्रयोग में, तो हम ये उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये जो हम बोल रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसको ग्रहण कर रहा है। इसलिए उसकी जो मानसिक शक्तियाँ हैं वो विकसित नहीं हो पाती। तो दूसरी बड़ी एक सीमा इसकी यही रहती है कि ये मानसिक शक्तियों को विकसित करने में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, कि चूँकि उस समय पर शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं उनकी निष्क्रियता के कारण। अगली जो इसकी सीमा है, ये उपागम रटने को प्रोत्साहित करता है। अब चूंकि सारे निर्देश शिक्षक की तरफ से हैं, वही करा रहा है, उसने उनको दे दिया कि भाई आप जाइए अपने घर पे दैनिक परिस्थितियों में इनका प्रयोग कीजिएगा और को मुझे बताइएगा इसको, तो अधिकांशता, या कोई गृह कार्य उसने दिया, तो अधिकांशता जो है हमारे शिक्षार्थी ये करते हैं कि उसको रट लेते हैं, उस सिद्धांत को रट लेते हैं, बजाय उसको कि हम उसको दैनिक जीवन में जाएं, वो बस अपना वो एक सूची बनाते हैं ऐसे और उसको रख देते हैं, जो कि उपलब्ध होती है पहले से ही उनकी पुस्तकों में। इसलिए यहाँ पर जो है रटने को प्रोत्साहित करता है, यानी कि उस सिद्धांत को हमने रट तो लिया लेकिन उसको आत्मसात नहीं किया। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है वर्णात्मक उपागम में कि ये रटने को प्रोत्साहित करना है, ना कि आत्मसात करने को। अगली जो इसकी सीमा है वो है शिक्षार्थियों की शिक्षक पर निर्भरता बनी रहती है। यानी कि शिक्षक हैं तब प्रयोग होगा, शिक्षक हैं तब निर्देश दिए जाएंगे। किसी परिस्थितियों की वजह से अगर शिक्षक नहीं है हमारे पास, उपलब्ध नहीं है उस दिन, उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ उसकी निर्भरता बनी हुई है कि शिक्षक होंगे तब वो निर्देश देंगे, तब वो प्रयोग कराएंगे। इसलिए जो शिक्षार्थियों की निर्भरता है वो लगातार जो है शिक्षक के ऊपर बनी रहती है, और ये निर्भरता अगर लगातार इसी तरह बनी रहे तो ये अधिगम में बाधक सिद्ध होती है, क्योंकि हर चीज़ के लिए हमारा शिक्षार्थी निर्भर हो जाता है शिक्षक पर। इसलिए ये भी एक इसकी बड़ी सीमा है। इसकी अगली सीमा ये है कि प्रदर्शन के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है, जो सदैव उपलब्ध नहीं हो पाते। जैसा कि आप जानते हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांतों को, वैज्ञानिक नियमों को, उनको सत्यापित करने के लिए हमको कुछ ना कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। और साथियों, आज की परिस्थितियों में बहुत से हमारे पास स्कूल ऐसे हैं, बहुत से स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता हमारे पास नहीं है। तो उन परिस्थितियों में ऐसा होता है कि जब हमारे पास संसाधन ही उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो हम वहाँ पर उन जो प्रयोग हैं उनको कर नहीं पाते हैं। और विज्ञान शिक्षण के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी चीज़ें हम उनको बता रहे हैं, जो भी सिद्धांत बता रहे हैं, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उनका हम प्रयोगात्मक परीक्षण तुरंत करें। विज्ञान शिक्षण के साथ ये बाध्यता है, इसलिए कभी कभी संसाधनों की अनुपलब्धता की वजह से विज्ञान शिक्षण जो होता है वो थोड़ा सा बाधित हो जाता है कि हम उसमें जो हम स्थायी करना चाहते हैं हमारे शिक्षार्थी के मन मस्तिष्क में जिस नियम को, वो स्थायी नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। तो शिक्षार्थियों, इस तरह आपने देखा कि ये वर्णात्मक उपागम जो है ये विज्ञान शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपागम है। कुछ सावधानियों के साथ अगर हम इसको प्रयोग करें तो विज्ञान शिक्षण में ये हमको बहुत ही सफलता प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो शिक्षार्थी है वो भी उतना ही सजग रहे जितना कि हमारा शिक्षक सजग रहता है क्लास में। जितना शिक्षक क्रियाशील है उतना ही शिक्षार्थी की क्रियाशीलता भी इस वर्णात्मक उपागम में आवश्यक है, और इस तरह से ये वर्णात्मक उपागम विज्ञान शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपागम बन जाता है, जो कि विज्ञान शिक्षण को आगे बढ़ाने में हमारी बहुत अधिक मदद करता है। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आज का ये प्रदर्शन आपको वर्णनात्मक उपागम को समझने में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।